बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस में फिर होने वाले हैं बड़े बदलाव, बस बिहार चुनाव पूरे होने का इंतजार। ₹850 एम्बुलेंस के पहिए थमे, कर्मचारी फिर से उतरे हड़ताल पर, मरीजों की सांसें अटकी। चसनातबाड़ी ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित सरपंच थाई जाने ने किया कार्यग्रहण। अब खबरें विस्तार से। सितंबर में उथल पुथल के दौर से गुजर चुकी देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस में एक बार फिर बड़े फेरबदल होने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी बिहार चुनाव के बाद जल्द ही संगठनात्मक बदलाव कर सकती है। सोनिया ने इसके लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की थी, जो उनकी रोज के काम और पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी फिर से गठित करने में मदद करेगी। गौरतलब है कि सितंबर में पार्टी अध्यक्ष ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बड़े स्तर पर फेरबदल किए थे, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटाया गया था। एक रिपोर्ट में पार्टी के एक पदाधिकारी के हवाले से बताया कि फिलहाल 2 राज्यों में प्रभारियों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली और गोवा राज्यों में नए प्रभारियों की नियुक्ति की संभावना है, क्योंकि शक्ति सिन्हा गोहिल बिहार और दिल्ली के प्रभारी हैं, जबकि दिनेश गुंडू राव के पास तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा का प्रभार है। अब खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे ने तहसील पूरनपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने किया औचक निरीक्षण। तहसील पूरनपुर में पहुंचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलकित खरे पूरनपुर बस स्टैंड का बहुप्रतीक्षित बस अड्डा पिछले 10 वर्षों से लगातार निर्माणाधीन है। जनता आज भी आस लगाए बैठी है, लेकिन जब पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने औचक निरीक्षण किया तो पता चला कि विद्युत कार्य व घटिया सामग्री, खरंजे की ईंटों की गुणवत्ता में पाई गई कमी, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने कहा कि कार्यदायी संस्था से होगी रिकवरी और ठेकेदार के विरुद्ध दर्ज होगी FIR और JE के निलंबन का हुआ आदेश। सर, यहाँ पे निरीक्षण किया, क्या पाया है सर? आज पूरनपुर के बस स्टेशन का औचक निरीक्षण करा गया। इस पूरे क्षेत्र में कोई बस स्टेशन नहीं है और ये बस स्टेशन लगभग तैयार है। इसमें थोड़ी अभी कमियां रह गई हैं जिनको पूरा कराना है। जैसे पीछे खड़ंजे का जो काम चल रहा है वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। कुछ अंदर जो स्विचेस लगे हुए थे उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। खड़ंजे में जो ईंटें लग रही थी वो भी क्वालिटी ठीक नहीं मिली है। तो इसमें जो कार्यदायी संस्था है उनके JE का तत्काल प्रभाव से वेतन। राजस्थान में एक बार फिर से एम्बुलेंसों के पहिए थम गए। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बुधवार को सुबह 6 बजे से हड़ताल कर दी है। ऐसे में एक बार फिर मरीजों की सांसें अटक गई। मरीजों को लाने ले जाने के लिए लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। हड़ताल में 108 और 104 एम्बुलेंस के कर्मचारी शामिल है। प्रदेश भर में इनकी करीब 850 एम्बुलेंस संचालित होती है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमने हर बार आंदोलन में सरकार के आश्वासन से काम चलाया है, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया। शेखावत ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2019 से एम्बुलेंस कर्मचारियों को लगातार सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट एम्बुलेंस कर्मचारियों के वेतन में 20% बढ़ोतरी के आदेश दे चुका है। उसके बावजूद अब तक एम्बुलेंस कर्मचारियों को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पूरे नहीं किए गए। इसलिए राज्य सरकार की इसी कथित वादा खिलाफी के रवैये के खिलाफ बुधवार 6 बजे से एम्बुलेंस सेवाएं ठप कर दी गई। जनजन के आराध्य बाबा रामदेव जी का तीर्थ स्थल रामदेवरा को अनलॉक होने के बाद से लेकर आज तक मंदिर परिसर में प्रसाद के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगाई हुई है, जिसके चलते रामदेवरा में प्रसाद बेचकर रोजगार करने वाले दुकानदारों के आज घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के चलते पहले 3 महीने तक बिल्कुल दुकानें बंद थी, उनके बाद कुछ दुकानें खुली तो उसके बाद बाबा रामदेव जी के मंदिर के पट भी खोले गए। उस समय रामदेवरा के सभी व्यापारियों में खुशी की लहर छा गई थी, परंतु प्रसाद विक्रेता
व फूल विक्रेताओं के लिए कोरोना की ऐसी गाज गिरी कि आज दुकान में बंद करने जैसा व्यापारियों में माहौल चल रहा है, क्योंकि रामदेवरा धार्मिक स्थल अनलॉक होने के बाद प्रसाद विक्रेताओं के ऊपर कोरोना गाइडलाइन का वाला देते हुए प्रसाद पर रोक लगाई जा चुकी है, जिसके चलते बाहर से आने वाला कोई भी श्रद्धालु प्रसाद नहीं खरीद सक रहा है। इसीलिए प्रसाद विक्रेताओं में मायूसी छाई हुई है। समय रहते इन दुकानदारों का शासन और प्रशासन ने सहयोग नहीं किया तो आने वाले दिनों में बिल्कुल बेरोजगार जैसी हालत हो सकती है इन दुकानदारों की व इनके परिवारजनों की। जय बाबा री। हमारे यहाँ 7-8 महीने से प्रसाद का व्यवसाय है जो बिल्कुल बंद हो गया है। हम यहाँ पे बैठे थे, पहले लॉकडाउन आया था, दूसरी बाकी जगह लॉकडाउन खुल भी गया, लोगों के धंधे भी शुरू हो गए, लेकिन हमारे तो वो का वो लॉकडाउन पड़ा है। हमारे तो रोजी रोटी का संकट हो गया है। अब बच्चे का लालन पालन करना भी मुश्किल हो गया है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे 1 रुपये का भी काम नहीं है। लाइट का बिल आता है वो भी हम भर नहीं पाते हैं, और बाकी तो करें क्या। बहुत स्थिति यहाँ ख़राब है। हम तो अब ना घर के रहे ना घाट के, जावे तो जावे कहाँ। हमारी हालत हो गई है मरने जैसी। यहाँ पे आने वाले टाइम में हम लोगों को आत्महत्या करनी पड़ेगी अगर ये धंधे हमारे चालू नहीं हुए तो। हम बहुत परेशान हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हम रो सकते हैं बस। लमसम 250-300 दुकान है प्रसाद की, वो पूरी तरह अभी तक लॉकडाउन ही है। मतलब कोरोना की वजह से जो सरकार की गाइडलाइन है कि मंदिर में प्रसाद ले जा नहीं सकते हैं, तो वो तो थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भी रोजी रोटी का संकट आगे खड़ा हो गया। अब क्या करें प्रसाद वाले। और सरकार से एक ही निवेदन है, प्रशासन से एक ही निवेदन है कि थोड़ी बहुत ही गुंजाइश हो, जो भी बाहर ही सही ढोल बंडा के मंदिर के बाहर ही प्रसाद चढ़ा दे, इसमें भी संतोष जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनके ऊपर बहुत आर्थिक मंदी चल रही है। जय बाबा। अब खबर जोधपुर से। ओसी उपखंड क्षेत्र के नव सृजित ग्राम पंचायत जसनाथ बाड़ी के नव निर्वाचित सरपंच धाई जानी ने मंगलवार को शुभ मुहूर्त में सरपंच पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने माला पहनाकर सरपंच धाई जानी का स्वागत किया। उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सरपंच धाई ने बताया कि हर ढाणी तक मूलभूत सुविधाओं का विकास करवाना है उनका मूल उद्देश्य। ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी ढाणियों तक बिजली, पानी, शिक्षा एवं सरकारी मार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। नरेगा के तहत अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार दिलाना तथा पंचायत मुख्यालय पर मिलने वाली सभी सुविधाएं ग्रामीणों के लिए हमेशा खुली रहेगी। अब खबर जालौर से। आहोर उपखंड क्षेत्र के डोडियाली ग्राम पंचायत के हरियाली के ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सुगलिया से बेदाना जाने वाले मुख्य मार्ग पर हमेशा गंदा पानी भरा रहता है, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। वह बाइक व लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। सरपंच से पूछताछ में बताया कि मुझे सरपंच पद पर जीते करीब 1 साल हो गया है, पर अभी तक पूर्व सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मुझे चार्ज नहीं दिया गया। क्या समस्या है आपके इस रास्ते की? ये रोड के 24 घंटा इधर पानी भरा हुआ रहता है, इधर जमा रहता है, और पब्लिक आते जाते बहुत गिरती है, और उसको एक दो जने को तो पग फ्रैक्चर भी हो गया। तो आपने इसके बारे में कभी आपके सरपंच साहब को समस्या बताई है क्या? बताई है 2-3 बार। अपने वार्ड जो पंच है उनको समस्या बताई है इसके बारे में आपने? अभी सरपंच साहब को बताई थी। सरपंच ने बोला कि पुराना सरपंच ने इसका पैसा उठाया था, तो वो काम पेंडिंग में पड़ा है, अभी उसका समाधान हम नहीं हुआ है। आपके विधायक जो है वो भी हर हमेशा यहाँ गाँवों का विजिट करते रहते, उनको कभी आपने इसके बारे में बताया? कभी आए नहीं है ना, अभी ये सरपंच चुनाव के बाद तो कभी विधायक इधर आए भी नहीं है। तो अब क्या समस्या है इस रास्ते को लेके? अभी तो ये पानी भरा, ये अभी पानी भरा हुआ पड़ा रहता है, इधर पब्लिक को परेशानी होता है, आने जाने में तकलीफ होता है, और गिरते भी है, मच्छर भी इधर पैदा होते हैं। हम बाजू में रहते हैं तो हमारे को भी बीमारी का भी वो होता है, कभी कभी भी हो सकता है, मलेरिया डेंगू वगैरह ऐसा भी तकलीफ हो सकता है। थैंक यू। सरपंच साहब, आपके हरियाली गांव के लोग
समस्याओं को लेकर बार बार शिकायत करते रहते हैं। जो सुगालिया से बेदाना का रास्ता है, उस रास्ते को लेकर हर हमेशा शिकायत उन लोगों की बनी रहती है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि मेरे को एक साल हो गया अभी, नहीं तो पंचायत में चार्ज दिया पूर्व सरमजा ग्राम सेवक ने, ठीक है सर। और MLA फ्रेंड से 10 लाख रुपए की सेक्शन हुई थी, मैंने कागज़ देखा तो 10 लाख की सेक्शन थी, मौके पे 8 लाख रुपए खर्च बता दिया है और मौके पे काम नहीं है। मैंने MLA साहब को भी सूचना दे दी थी, MLA साहब ने मौके पे कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं अभी तुरंत कार्रवाई करता हूँ। कलेक्टर साहब ने भेजा एक्शन, शंकरलाल जी को भेजा, मौके पर रिपोर्ट की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और बार बार यहाँ लोग बहुत परेशानी हो रही है और लोग यहाँ गिर रहे हैं और लोग बहुत दुखी है यहाँ, करीब करीब बहुत समस्या है। मतलब डोडिया पंचायत में इतना काम किए कि बिल्कुल अधूरे काम पड़े और पेमेंट ऐसे खर्च बताए, एक साल हो गया अभी तक तो कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे। और BDO साहब भी बार बार जाकर BDO साहब को भी आमंत्रण कराया और BDO साहब भी कोई आदर भाव नहीं दे रहा है कि ये तो गवर्नमेंट का काम ऐसे चलता रहता है, ऐसा बोल रहे। नहीं तो MLA फंड और MP फंड से जो पैसा आया था उस पैसे का क्या हुआ? तो MLA फ्रेंड से जो सेक्शन मैंने देखी तो उसमें 8 लाख रुपए खर्च बता रहा है, बाकी मौके पे काम नहीं है। और सांसद फ्रेंड से 7 लाख की सेक्शन हुई, मौके पे 5 लाख रुपए खर्च बता रहा है, बाकी मौके पे काम भी नहीं है। वहाँ भी स्कूल से डेली फ़ोन आता है कि बोल रहे हैं काम चालू करो, काम चालू करो। मैं बोला पंचायत में तो पैसे नहीं है, क्या करूँ? तो जो फ्रेंड का पैसा आया था वो तो कहाँ खर्च किया उसने, कोई पता नहीं अभी तक। तो अभी आपको सरपंच बने लगभग एक साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, तो अभी भी आपको चार्ज नहीं दिए? अभी राजनीति में मतलब चल रही है कि कभी ग्राम सेवक चेंज करा दिया, एक दो ग्राम सेवक है उनको भी चेंज करा दिया है, और पुराना ग्राम सेवक ने उसने अभी तक एक रिकॉर्ड भी नहीं दिया मेरे हाथ में। तो अभी आपके ग्राम पंचायत का जो चार्ज है, हाँ, किसके हाथ में है? वो नरेश जी मीणा को दिया है, वो भी कभी क्या है अभी दिया, 4-5 दिन हुआ, उसको भी अभी तक कोई चार्ज नहीं दिया, इसलिए वो भी नहीं आ रहा पंचायत में। और एक LDC लगा हुआ था, वो भी 2 दिन मतलब यहाँ मेरे पंचायत में पहले से था भाई, उसको भी अभी 3 दिन के लिए चार्ज दे दिया संदरई में, उल्टी पंचायत बंद पड़ी है। अभी मौके पे कोई लोगों के काम नहीं हो रहा है, लोगों की बहुत समस्या है, लोग बहुत दुखी है, डेली बोलते हैं कि ये सर ये गंदी है, ये गंदी है, हर गली गली में काम अधूरे पड़े हैं और कोई मौके पर काम नहीं किया हुआ है, और सब पेमेंट खर्च में बता रहा, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहा है कि भाई रिकॉर्ड नहीं दे रहा हमारे को, एक साल हो गई है। और मैंने स्टर नहीं है, ग्राम सेवक भी बार स्टर भी नहीं है पंचायत में। अब खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी स्थित कैंटीन में संचालक और मंडी अधिकारी आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान कैंटीन में तोड़फोड़ भी कर दी गई। संचालक मंडी अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ करने की बात कह रहा है, तो वहीं मंडी अधिकारियों ने किराया का तकाजा करने पर संचालक द्वारा ही तोड़फोड़ करने का आरोप लगा रहा है। कैंटीन संचालक दिलीप जोशी ने कहा कि कृषि उपज मंडी के स्टोर कीपर और उनके साथ 2 गार्ड यहां पर आए और बकाया किराया मांगा। इस पर मैंने उनसे कुछ मोहलत मांगी तो उन्होंने मुझे खर्चा देने की बात कही। पहले भी मैंने इसी प्रकार उन्हें 20,000 रुपये दिए थे, मैंने जब मना कर दिया तो उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं कृषि उपज मंडी के स्टोर कीपर बिरमल सिंह का कहना है कि हम किराया मांगने पहुंचे तो वह धमकी देने लगा कि किराया भी नहीं भरेगा और खाली भी नहीं करेगा। इस पर हमने उसे कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी तो उसने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। आए थे ऑफिस से, उन्होंने पैसे मांगे, जमा करा देंगे, बाकी जो पहले ले गए थे वो और बीवी दिया उनको एडवांस के लिए, और उन्होंने उसको भी बैंक में लगा दिया। और हर बार आते हैं, परेशान करते हैं, पहले भी 20,000 रुपये ले गए हम ऐसे बिना रसीद के, और आज और मांगने आ गए। 2-4 साथ बुलाए थे सिक्योरिटी वालों को, मेरे सामान समून फेंक दिया और गले में से पैसे ले गए, गालियाँ भी निकाल दी। ऑफिस वाले थे दुर्बल जी थे उनके साथ और सिक्योरिटी वाले थे, और उनको सबको काम करने वालों को भी गालियाँ निकाली उनको। और मैं 2:30 बजे तक तकरीबन 2 होमगार्डों को साथ ले गए। पुराने चेक दो एडिशन और हुए थे, और पुराने चेक की वसूली मतलब ठेके की राशि वसूलने के लिए गया था, और एक कर्मचारी और साथ में था, सभी सामने है खुद, वो तोड़ फोड़ बढ़िया फेंकने लग गया। मैं तो खाली नहीं करूँगा, तुम्हारे जो करना हो कर लो, और ऊपर गाली गलौज देने लग गया, और हमको धमकी दिया ड्यूटी के बाद भी बाहर निकलोगे, ऐसे हमको धमकी भी दी। अब हम ADM साहब के पास जा रहे हैं और थाने में रिपोर्ट देंगे।
भावपुरा नवसृजित ग्राम पंचायत भावपुरा की नवनिर्वाचित सरपंच काली देवी मीणा की अध्यक्षता में प्रथम बैठक आयोजित हुई, जिसमें ग्राम सचिव कृष्ण अवतार शर्मा व उप सरपंच और वार्ड पंच द्वारा ग्रामीणों की समस्या सुनी। समाज सेवी राम अवतार मीणा ने बताया कि भावपुरा गांव के कई ऐसे कस्बे और कई ढाणियां हैं जिनमें रास्ते की प्रॉब्लम है। इन सभी ढाणियों के प्रस्ताव बना लिए गए हैं। साथ ही बताया कि पेयजल एवं नरेगा कार्य और खेल मैदान आदि के प्रस्ताव भी ले लिए गए हैं, जल्दी इनके ऊपर काम किया जाएगा। साथ ही सरपंच काली देवी का कहना है कि इन मुख्य समस्याओं को मैं जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करूंगी और गांव और मेरी ग्राम पंचायत की रूपरेखा अगले 5 साल में बदल जाएगी। साथ ही सरपंच ने कहा कि मेरी ग्राम पंचायत के लोगों से मेरा निवेदन है कि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हो वह ग्राम पंचायत की बैठक में आ सकता है और हमें अवगत करा सकता है। हमारा जितना प्रयास और कोशिश रहेगी उस कार्य को जल्द से जल्द किया जाएगा। इस अवसर पर समाज सेवी राम अवतार मीणा, उप सरपंच, वार्ड पंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जीपीके न्यूज़। नमस्कार।